हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइम के एडिशन का एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस करेंगे और स्ट्रक्चर के थ्रू सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं। मान लेते हैं कि इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को आर ई ए एल कह दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा 10 प्लस 4 आई, इसका मतलब है कि 10 रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे उसमें पहला ऑपरेशन होगा एडिशन का, दूसरा सब्सट्रैक्शन का और तीसरा मल्टीप्लिकेशन का। इन तीन ऑपरेशंस को हम डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि कैसे हम फंक्शन में स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को पास करते हैं। तो सबसे पहले आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर के वेरिएबल्स ले लीजिए। लेट से हमने वेरिएबल वन लिया C1 नंबर, देन C2, और C1 में जो डेटा वैल्यू है उसको आप यूजर से इनपुट करा लीजिए। सो सबसे पहले आपने एक मैसेज दिया, एंटर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर वन। कॉम्प्लेक्स नंबर वन कैसे इनपुट कराएंगे आप? स्कैन एफ कराइए और स्कैन एफ में दो इंटीजर वैल्यूज को इनपुट कराइए। पहला पार्ट होगा C1 का रियल वाला पार्ट एंड देन C1 का इमेजिनरी वाला पार्ट। क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, सिंपल वेरिएबल्स हैं, इसलिए आप एम्परसेंट का यहाँ पे यूज करेंगे। फिर आप दूसरा नंबर भी यूजर से इनपुट करा लीजिए। तो आपको दूसरा नंबर यूजर से इनपुट कराना है, तो आपने मैसेज में नंबर 2 दे दिया और यहाँ पे C1.real और C1.imaginary की जगह C2.real एंड C2.imaginary ले लिया। तो आपके पास दो नंबर अवेलेबल है। मान लीजिए एड कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फंक्शन है जिसमें आपने C1 और C2 को पास कर दिया है। आइए डिफाइन कर लेते हैं एड कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन। तो मेन के ऊपर हमने एड कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन डेफिनेशन लिखा और यहाँ पे कह रहे हैं कि C1 कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का एक वेरिएबल है और इसी तरह से जो C2 है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का वेरिएबल है। हम अपनी तरफ से एक और कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं और उसका नाम है लेट्स से C3। और इसके बाद फिर हम कहते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करके रियल पार्ट में स्टोर कर दीजिए C3 के। तो C3.real इज इक्वल्स टू C1.real प्लस C2.real और C3.imaginary इक्वल्स टू C3 सॉरी C1.imaginary प्लस C2.imaginary। तो रियल पार्ट को आप रियल पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर दीजिए, एडिशन हो गया और फिर इसको प्रिंट कर दीजिए। सो प्रिंट आपने कैसे किया? परसेंटाइल डी ये पार्ट हमारा रियल वाला पार्ट है और फिर परसेंटाइल डी ये इमेजिनरी वाला पार्ट है। यूजुअली आप इमेजिनरी पार्ट के आगे आई भी लगा देते हैं। तो C3.real रियल वाला पार्ट हो गया, C3.imaginary इमेजिनरी वाला पार्ट हो गया, आपने इसको डिस्प्ले कर दिया। तो आइए रन करके देखते हैं इसको। तो ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछ रहा है। लेट्स से पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा है 3 प्लस 5 आई, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से हमारे पास है -1 या चलिए माइनस नहीं लेते हैं 9 प्लस 3 आई। सो एडिशन होकर क्या आना चाहिए? 12 प्लस 8 आई। सो 12 प्लस 8 आई इज द आंसर। अब हम एक काम और करते हैं, यहां पे हमने फंक्शन में एड कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल को प्रिंट करा दिया, C3 यहीं पे लिया और यहीं पे प्रिंट करा दिया। लेकिन मान लीजिए कि आप प्रिंटिंग यहां नहीं कराना चाहते, तो आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहां से हटा के मेन में ले जाइए। लेकिन मेन को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होके आया है। तो यहां पे आप कर दीजिए रिटर्न C3। तो C3 कैसा नंबर है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का है, इसलिए ये जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप हो गया स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि C3 के कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का एलिमेंट है, इसलिए रिटर्न C3 आपने किया।
और रिटर्न टाइप आपने स्ट्रक्ट C3 कर, मैंने स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स कर दिया। जो एट कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन कॉल हुआ है 21 नंबर लाइन में, उसको आप ऐसे लिखिए कि C3 इज इक्वल टू एट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है कि जो ये रिटर्न कर रहा है आंसर, वो C3 में एक्सेप्ट किया जा रहा है। एंड फाइनली आप इसको प्रिंट कर लीजिए मेन के अंदर, रन करके देखते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से मेरे पास है 3 + 5i, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है लेट से 5 + 9i। तो 8 + 14i इज द आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से आप फंक्शन के थ्रू भी ये वर्क कर सकते हैं। इसी को अगर हम और एक्सटेंड करें और दो तीन और फंक्शन बना ले, पहला फंक्शन हमने एड कॉम्प्लेक्स बनाया है एंड देन सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन बना लेते हैं। तो जो एड कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, इसकी जगह हम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं, और जो एड कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरा वाला हमने कॉपी पेस्ट किया है, इसको मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं। फाइन। तो सब्सट्रैक्शन में तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे एडिशन होता है वैसे सब्सट्रैक्शन। एडिशन के साइन को सब्सट्रैक्शन के साइन से रिमूव रिप्लेस कर दीजिए, आपका सब्सट्रैक्शन हो गया। लेकिन मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मल्टीप्लीकेशन को समझने के लिए मान लीजिए कि हमने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर माना a + ib, और इसको मल्टीप्लाई करना चाहा c + id से। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले a c से मल्टीप्लाई होगा, फिर a मल्टीप्लाई होगा d के साथ, तो i ad, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा आई बी सी के साथ, सो ib c। फिर मेरा ib मल्टीप्लाई होगा id के साथ, तो i² हो जाएगा। i² की वैल्यू -1 होती है, इसलिए -b d। तो अब आप देखिए कि हमारे पास रियल वाला पार्ट कौन सा है, a × c - b × d। ये मेरा रियल वाला पार्ट है, तो यहां से रियल वाला पार्ट अलग कर लीजिए। फिर इसके बाद मेरे पास इमेजिनरी वाला पार्ट है जिसमें ad है और bc है। अब हम इसको अगर डिफाइन करें कि ये रियल वाला पार्ट है a × b × b × d - b × d, और इमेजिनरी वाला पार्ट मेरा ये है कि a × d + b × c। तो a क्या है और c क्या है? a और c रियल वाला पार्ट है, दोनों नंबर का रियल वाला पार्ट। तो हम c3.real में लिख रहे हैं c1.real मल्टीप्लाइड विथ c2.real, और माइनस कर रहे हैं बी और डी जो हैं वो इमेजिनरी वाले पार्ट हैं दोनों नंबर्स के। तो हमने ये कहा कि c1.imaginary मल्टीप्लाइड विथ c2.imaginary। तो ये तो मेरा रियल वाला पार्ट बन गया मल्टीप्लीकेशन करके। देन इमेजिनरी वाला पार्ट कैसे बन रहा है? a इज द रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड d इज द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर। सिमिलरली b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड c इज द रियल पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर। तो इसको भी हम लिख देते हैं, इमेजिनरी वाला पार्ट क्या हुआ हमारा, कि c1 का रियल वाला पार्ट मल्टीप्लाई हुआ c2 के इमेजिनरी पार्ट से, और प्लस c2 का रियल वाला पार्ट मल्टीप्लाई हुआ c1 के इमेजिनरी वाले पार्ट से। तो हमने इस तरह से इमेजिनरी वाला पार्ट भी फाइंड कर लिया। तो c3 का रियल और c3 का इमेजिनरी पार्ट हमने डिफाइन कर लिया है। इसको कमेंट लाइन कर दीजिए क्योंकि एग्जांपल के लिए केवल लिया गया था, और c3 को रिटर्न कर दीजिए। तो हमने फंक्शंस बना लिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन तीनों के लिए। अब आप एक काम कीजिए कि इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और तीन अलग अलग फंक्शंस को कॉल कर दीजिए। जो भी आंसर आए उसको आप c3 में ही स्टोर कीजिए। तो जैसे हमने एड कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम बनाया, वैसे ही सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे ही मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन। किसी भी वैल्यूज को प्रिंट कराने से पहले स्लैश एन ले लेते हैं, जिससे कि हमें न्यू लाइंस में ही आंसर देखें। फाइन, रन करके देखते हैं। तो मेरा पहला नंबर है 3 + 5i, और दूसरा नंबर है लेट से 8 + 9i। तो आप देख सकते हैं कि ऐड करके 3 + 8 = 11 और 5 + 9 = 14। सब्सट्रैक्ट किया तो 3 - 8 - 5 और 5 - 9 - 4 है। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट को ब्रैकेट में लिख सकते हैं।
एंड देन मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट, 8 × 3 = 24, 9 × 5 = 45। आप 24 में से 45 को माइनस कीजिए, -21 आ गया। सिमिलरली दूसरा वाला पार्ट जो है 9 × 3 = 27 और +8 × 5 = 40, 67 आया, तो मल्टीप्लाइड वैल्यू भी सही आ रही है। तो इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर लिया इस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने ये सीखा कि कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास करते हैं फंक्शन में, कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को रिटर्न करते हैं फंक्शन के थ्रू, और कैसे हम फंक्शन में उसको एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी देखा कि जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम विद मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर।